आगे सर बोले। हेलो जी कहाँ तक पहुंचे हम? नंबर फोर ये सर। डिनर वेल हैव बीन टेकिंग बाय यू। यू का किया। अच्छा आगे है। यस सर। आई शेल हैव हैव ओपन द डोर। मैं दरवाजा खोल चुका हूंगा। आई शेल हैव ओपन द डोर। DOOR डोर। डी आई शेल हैव ओपन द डोर। अब क्या होगा? दी डोर विल हैव बीन ओपन बाय मी। ओपन बाय मी। यस सर लिख लिया। लिख लिया जवाब। यस सर। ओके वी शैल हैव टेकन टी। वी शैल हैव टेकन टी। He will have been taken by us. He will have been taken by us. सर। कौन सा प्रोनाउन रह गया आपका? यू भी हो गया, यू भी दे दे सर रहते हैं। दे। दे रह गया। यस। दे विल हैव got the first position. They will have got the first position. वो पहली they will have got the first position. वो पहली position हासिल कर चुके होंगे। They will have got the first position. First position. The first position. कैसे वॉइस में करें? The first position will have been got by them. Well, have been got by them. Yes, got by them. Complete हो गई आपको pronounce? Complete. Yes, sir. Complete हो गए? Yes, sir. अब ये आपने करना है होमवर्क, ठीक है? आपके पास रूल्स भी आ गए हैं, आपके एग्जाम्पल्स भी आ गई हैं। अब आपने एक ही प्रोनाउन को जो है यानी कि चेंज करना है, आपने मतलब मुख्तलिफ टेंसेस में करना है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास मौजूद हैं, ठीक है? पैसे वाइज के टेंसेस आपके पास मौजूद हैं, रूल्स आपके पास मौजूद हैं। जैसे आपके पास ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाई थी कि शी ईट्स एन एप्पल, ठीक है? इसी का प्रोनाउन चेंज करते रहेंगे आप। ही ईट्स एन एप्पल, दे ईट एन एप्पल, वी ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, इनको चेंज करेंगे पैसे वाइज में, फिर दूसरे टाइम चेंज करेंगे। समझ आए मेरी बात? यस सर। फिर पैसे में चेंज करेंगे, फिर दूसरे टाइम चेंज करेंगे, पैसे में चेंज करेंगे। इस तरह आप बना सकते हैं, आप 90-100 तक बना सकते हैं एग्जांपल इसकी, ठीक है? ओके सर। इससे आप परफेक्ट हो जाएंगे, इसमें एक्टिव पैसे परफेक्ट हो जाएंगे। आप सिखाने वालों में आप लोगों को सिखाया करेंगे आप, अगर इसमें एक्स्ट्रा कर अगर आप 100 एग्जाम्पल कर लेते हैं आप, तो इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, ठीक है ना? आपको टेस्ट में भी आएंगे। आपको टेस्ट जो आ रहा है, आपका टेस्ट जो परसों आ रहा है टेस्ट, आपको परसों टेस्ट लूंगा आपका मैं। ओके शुएब और अपना जवाब जबानी टेस्ट ही होगा आपका, ठीक है ना? ओके सर। इस बार मिस हो गया टेस्ट आपका, कुछ नगदीर वजूहत की वजह से लेट हो गया टेस्ट आपका, तो परसों डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह। तो इसमें ओके सर, तो कल हम जरा इन चीजों को सबको हम रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? पार्ट थ्री से लेकर एक्टिव पैसिव वाइज वोकैबुलरी भी आपकी होगी, ठीक है? ओके सर। तो ताकि आगे बढ़ने में आगे आपके टेस्ट के बाद कोई डेस्क भी इंटरेस्ट भी जाते हैं अभी आपके, वो शुरू कराने हैं मैंने आपको, उसको आपकी लैंग्वेज शुरू होने वाली है आगे, पता ही आपको यकम से आपने अकेडमी आ जाना, पता ही आपको इस बात का भी, ठीक है ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं एक्टिव पैसिव इसमें? देख लो आप। नहीं सर समझ आ गए हैं सर सारे। आप प्रैक्टिस करो इनके जितने जिम्मे बना सकते हो, मुझे होमवर्क भेज देना मुझे आप आज या कल, मतलब आज ही भेज देना, बल्कि कल तो सुबह फिर चेक करने में मसला। वर्ड्स मीनिंग लिखवाएंगे आज जी? वर्ड्स मीनिंग लिखवाएंगे? वर्ड मीनिंग हाँ कर लें। कितने वर्ड मीनिंग हो गए अभी आपके? सर 250 को पहुंचने वाले हैं सर। कितने हो गए अभी आपके? 250 हो गए हैं सर। 250 के लगभग हैं सर। यस सर। अच्छा चलो मैं थोड़े से कर लें, क्योंकि आप अभी लैंग्वेज जब हो गई शुरू फिर भी चलते रहेंगे, क्योंकि अभी खत्म नहीं होनी है आपकी, ठीक है ना?
ये थोड़ा इसलिए मैंने फोकस किया चीजों के ऊपर कि आपका असली टेक्निक को सीखें आप, वो कभी अभी जल्दी रहेगी, वो खत्म नहीं होनी है आपकी जब तक तो कोर्स चलता रहेगा ना, ठीक है ना? यस सर। आप लिख लें इसको, कुछ वर्ड्स कर लें आज, आप थोड़े से होंगे बाकी हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। कल वैसे भी रिवीजन भी आपकी है और कुछ वर्ड भी हम कभी कल भी कर लेंगे हम इंशाल्लाह। वोकैबुलरी मीनिंग्स, व्हाट इज मीनिंग? अच्छा एक होता है क्या कहते हैं इसको, क्रॉस, क्रॉस होता है परेशान, एक परेशान होता है और एक होता है पार करना, पार करना क्रॉस जी। यस सर। क्रॉस मतलब परेशान भी होता है, नोटेड एक वर्ड है, नोटेड मतलब होता है मशहूर, ये मतलब बड़ा नोटेड है, मशहूर है, नोटेड मतलब होता है मशहूर, नोटेड मशहूर सर। एन ओ टी ई डी, एन ओ टी ई डी, नोट होता है नोट, एन ओ टी ई, नोट होता है नोट करना। यस सर। यस सर। किसी की वो बोलने को नोट करना। यस सर। नोटेड। नोट मशहूर, नोटेड, ये नोटेड है मशहूर। अच्छा फिर है एक वर्ड है हैंग, फांसी, हैंग, एच ए एन जी, हैंग कहते हैं फांसी, किसी को फांसी देना, फांसी, हैंग, हैंग है फांसी। रिसीव होता है वसूल करना, रिसीव, तो दो मतलब हैं, एक होता है वसूल करना और एक होता है इस्तकबाल करना, इस्तकबाल करना, ये भी रिसीव होता है, रिसीव। बाकी इंशाल्लाह मैं कल आपको करा दूंगा, ज्यादा करा दूंगा कल आपको, ठीक है ना? रिसीव, वसूल करना, इस्तकबाल, कल रिवीजन भी है आपको, कभी 25-30 वर्ड करा दूंगा इंशाल्लाह कल आपको। अच्छा ये है जी क्रॉस, नोटेड, हैंग, रिसीव। अच्छा इसके बाद होता है इंट्रेंस, दाखला, इंट्रेंस, आप किसी दफ्तर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लिखा होता है इंट्रेंस, दाखला, दाखिल होते हैं दरवाजे से आप अंदर, तो इसे कहते हैं इंट्रेंस, ई एन टी आर ए एन सी ई, इंट्रेंस। आपके टेस्ट में आएंगे सारे वर्ड, ये जितने कल करवाओगे वो भी आएंगे इंशाल्लाह परसों टेस्ट में। Yes, sir. Entrance, आपको 30 करा दूंगा इंशाल्लाह, मैं आपको इंशाल्लाह पूरे 30 करा दूंगा। Okay, ये पांच देख लें, क्रॉस, नोटेड, हैंग, रिसीव, इंट्रेंस, दाखला, ठीक है? Yes, लिया आपने? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ये होमवर्क भेज देना, तीन करके भेज देना, और आप जितने बना सकते हैं आप 80 बनाए, 190 बनाए, बना के मुझे होमवर्क भेज देना, ठीक है? ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना। ओके तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी हमारी, मेहनत करें, शाबाश, ठीक है? ओके सर, गुड लक। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, दुनिया में काम मुश्किल तब होता है जब प्रैक्टिस ना की जाए, मेहनत ना की जाए तो मुश्किल हो जाता है, जब प्रैक्टिस करते हैं वही काम आसान हो जाता है। ओके ओके सर। ओके क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।